बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल क्रिएशन। मैं आपको वेलकम कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ब्यूटीफुल स्टाइल में और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज लेकर आई हूँ, जिसमें आपको जो यूज़लेस ड्रेसेस होते हैं उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत आपके लिए डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। जो बड़ी शर्ट्स होती हैं उसमें से हम किस तरह से आइडियाज़ ले सकते हैं और उसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ आइडियाज़ हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ही क्रिएटिव हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमारे जो ड्रेस होते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत नुक्स हो जाता है या उसको पहनने के लायक नहीं होते या हमारे दिल से उतर जाते हैं या कुछ अगर तंग हो जाते हैं या फिर कुछ और उसमें मसला हो जाता है, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसमें हम थोड़े बहुत अपने आइडियाज़ शामिल करके उस तरह से, जैसे कि आपकी कटिंग के साथ साथ आपको ये दिखाया गया है, इस तरह से आप उसे अपने बेबीज़ के लिए बना सकते हैं, खूबसूरत और स्टाइलिश तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी बहुत और उसमें एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आप इसमें कोई जो बंच वगैरह होते हैं जो मार्केट से अवेलेबल होते हैं आप वो लगा सकते हैं। हल्की फुल्की पाइपिंग के साथ उसका नेक डिज़ाइन चेंज कर दें, उसकी पट्टी में जो है बटन आप दूसरे लगा दें, पॉकेट्स बना दें, स्लीवलेस बनाएं, जो उसकी बाजू हैं उसको आप डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये फ्रॉक है बहुत ही खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं, ये शर्ट से बनाया है। उसके साथ साथ टी शर्ट और शर्ट को मिलाकर ये देखें, खूबसूरत स्केटर ड्रेस तैयार किया है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये जीन्स का जो है जो शर्ट है उस पर ये छोटा सा टॉप बनाया है, खूबसूरत है और स्टाइलिश है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करके आप उसको खूबसूरत कर सकते हैं। और उसके अलावा हम शर्ट्स में से ट्राउज़र भी बना सकते हैं, बच्चों के टाइट्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा शर्ट्स में से हम फ्रॉक को भी बना सकते हैं और ख़ूबसूरत टॉप भी बना सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें, इसमें हल्की फुल्की सी पाइपिंग लगा दें, कोई और बंच वगैरह लगा दें, कुछ और लगा दें, तो उससे भी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे मुकम्मल देखा होगा। तो फ्रेंड्स, अपनी दुआओं में हमें ख़ास तौर पर याद रखें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।